अरे का तबीयत ठीक नहीं है का? अरे हा? बदन तप रहा है और दर्जन भर छींके। अरे जा दिखाओ जरा। छी माँ जी पानी। बेटवा कल से बढ़ के घोड़े लतिया रहे हैं। हमका तो लगता है बखत आ गई, बार नहीं बचेंगे। बच का अनाप शनाप बोल रही हैं आप एकदम? बदन तप रहा है। एक सेकंड दिखाओ जरा, दिखाओ तो। अम्मा अम्मा बदन तो ठंडा है पूरा का पूरा। क्या बात कर रही हैं आप? तो ठंडा पड़ गया बदन? बोलो ये तो जाने का बुखार है ससुरे। बदन ठंडा पड़ जाता है, ठंडा ही ठंडा आदमी खिसक जाता है ऊपर। एला तुलसी ला रख मुँह में गंगा चल लिया। अरे अम्मा चुप करो ना, बोल रहा है चुप करो तो मतलब चुप करो एकदम। सुनो थर्मामीटर लेकर आओ, जाओ जल्दी। वो अम्मा के ही कमरे में है। और वो डॉक्टर को भी फोन करना। डॉक्टर को नहीं, पंडित जी को बुलाओ और पूछो हमारी फूटी किस्मत में क्या लिखा है, अब और कितने साल टेंशन झेलना है। अरे अरे काहे की टेंशन लेकर जी रही हैं आप? हम हैं तो सारी की सारी परेशानियां। अरे हम टेंशन नहीं लेंगे, छोटी छोटी घर की बातों का तो कौन लेगा। का हुआ तो पता भी है, नहीं छोटी रानी का बहुत टेंशन है। बेचारी दुड़की लगा के कॉलेज जाती है लेकिन रिजल्ट तो रेंगता रेंगता आता है। वैसे कॉलेज जाने का क्या फायदा है, टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद, जाने आने में और नंबर कम है। तो क्या कहते ए बिट्टो रानी, सोनल पढ़ा दिया करेगी और पैसों की भी मदद हो जाएगी उसे, उस पैसे से आगे पढ़ लेगी सोनल बिटिया। सोनल तेज है पढ़ाई में, क्या होगा जाने आने का बेचारी का टाइम बच जाएगा, थक जाती है, है? पैसे भी बच जाएंगे और हमारा टेंशन कम हो जाएगी। कितनी चिंता करें हम उम्र में की। अम्मा करते हैं ना उसके बारे में बात, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी पहले अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। कुछ कहना है तो पापा के आगे कह दे। तू कहाँ खड़ी है यहाँ? टेप देख, ऑफिस लेट जाएगी तो आधे दिन की तनख्वाह कट जाएगी। जी दादी। अम्मा लगाओ मुंह पे। शुभम जरा दादी के पांव दबाओ। इले देख 110 है, 120 से का है। दादी 110 का बुखार तो किसी को भी नहीं होता है। वैसे टेम्परेचर नॉर्मल 98.8 ही दिखा रहा है। दिखाओ जरा। हाँ। घड़ी 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 का है देख रहा है, हमारे टप होने का इंतजार कर रहा है का? अरे अम्मा कितनी बार का अंसंट ना बोला करो इस तरीके से। कह रहे थे सुन, सरला की ननंद की बेटी का ब्याह है, है? अब सब जाएंगे तो हमने पुरानी चांदी की पायल चमका दी है, सरला और हमारे तरफ से दे देंगे। माँ आपको जिसको जो देना है दीजिए, ये लेन देन की बातों में ना हमें ना घसीटा करिए। राजकुमार तुम्हारे पापा ने घर छोड़ा, तूने हमारे पैर छोड़ दिए। वो दादी प्रीति को ऑफिस छोड़ना है ना, अगर देरी से पहुंचेगी ऑफिस तो तनख्वाह कट जाएगी उसकी। ना 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 जा 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 तनख्वाह नहीं कटती, चल चल जा जा जा। उसे चाय ठंडी हो गई, दूसरी बना के लाएगी। हाँ अभी लाते हैं, और कुछ चाहिए का? ना ना कुछ नहीं, बस चाय पी ले थोड़ा अच्छा लगे, है ना? हाथ खोल के अदरक डालना अच्छा लगेगा। हाँ अम्मा जी। भैया दादी ने ना हमसे बदला लिया, बहुत स्मार्ट है वो शशिकला। आपको पता है वो दो बार ना जानबूझ के छिकी थी। निम्मी तेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, देख तुझे साइंस तो वैसे भी पसंद नहीं है ना, तो तू ऐसा कर घर पे बैठे बैठे फैशन डिजाइनिंग पढ़। भैया आप अब ये कह रहे हो कि मैं फैशन? मैं ये कह रहा हूँ कि फायदा, अरे देखने में उनका लेकिन होगा तुम्हारा। तू वैसे भी कॉलेज जा नहीं पाएगी तो तू ऐसा करना, तुझे घर पे बैठे बैठे स्केचेस तैयार करने का टाइम मिल जाएगा।
सुईया, आपने तो मेरा दिन बना दिया। ओ छोटी रानी, बाहर खड़े खड़े किससे बतिया रही हो? आते अम्मा जी? आजकल काम में मन नहीं का है? का हुआ? ये देख साड़ी देख। कोना देख? सिलवट रह गई ना बाकी? सरला के ससुराल में शादी के लिए जा रहे, का कहेंगे लोग? जा स्त्री लेके यार, हमारे सामने लगा। निम्मी, निम्मी कहाँ है तू? अरे जल्दी आना, बहुत जरूरी बात है। ये प्रीतिया नमिता के नाम से काहे पगला रही है? निम्मी, मैं यहाँ हूँ। पता है क्या हुआ? शिवम भैया और दीप, आराम से बोलो। निम्मी, क्या हुआ बताओ ना? क्या शिवम भैया, बताओ क्या हुआ? अरे फिर से हड़बड़ाने क्यों लगी? हैं, क्या हुआ शिवम को? दादी वो तू अब कहाँ हड़बड़ाने लगी? दी तो बस यही पूछ रही थी कि शिवम भैया कहाँ है। हाँ दादी। हाँ तो हम यही कह रहे थे कि शिवम भैया तो फूफा जी के साथ है, तो बस वो इस शादी में उनके साथ ही आने वाले हैं। तुम दोनों को कहा पर्ची लिख के दे, सजो सवरो, शादी में चलना है ना? नहीं दादी, हम नहीं जा रहे। वो बुआ की ननंद की बेटी की शादी है, तो हम क्यों जाए? तो इसलिए नहीं जाओगे हैं? घर में फैसले कौन करते हैं? हम, सिर्फ हम। कलश चांदी की पायल भेंट में दे रहे हैं, तो खाना भी पूरे खानदान को खाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, हम कछु नहीं कहते, नहीं आना है मत आना है, पर आज घर में खाना ना ही पकेगा। तुम्हारी अम्मा को भी आराम चाहिए ना। ए कमरे में आ, थोड़ा चेहरा चमका दो, और पालिस पालिस लेके आ, हम भी थोड़ा सज सवर ले। पर गुलाबी रंग लियो, वो लाल चटक मत लाना जो तुम्हारी अम्मा पहनती है, ये उम्र में ना ही सोपे। चलो